नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद कुशीनगर से। महिला सिपाहियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले व्यक्ति के विरोध में लोगों ने जलाया पुतला, गिरफ्तारी की मांग की। कुशीनगर जनपद के तरिया सुजान थाना क्षेत्र में विगत कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति द्वारा महिला सिपाहियों के रूम में महिला सिपाहियों का सिविल ड्रेस में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में दिनांक 20/12/2022 को कांस्टेबल ज्योति कुमारी के सूचना के आधार पर थाना तरिया सुजान पुलिस ने धारा 469/35 ग और 509/72 मुकदमा दर्ज किया। इसी के विरोध में आज दोपहर हजारों स्थानीय लोगों ने महिला सिपाही के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए सीओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने आरोपी व्यक्ति का पुतला भी जलाया और गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों तक प्रदर्शन किया गया। मौजूद अधिकारियों ने आरोपी को जल्द गिरफ्तारी कर जेल भेजने का आश्वासन दिया गया, जिस लोगों ने सहमति दिखाते हुए वापस लौट गए। छवि खराब हो रही है। मैं बीपी न्यूज चैनल से मांग करता हूं कि ऐसे पत्रकारों को तत्काल चैनल से निष्कासित किया जाए। इसके द्वारा इसी वर्ष टोल मेला पटरौना में गलत तरीके से वीडियो वायरल कर 20 लोगों पर मुकदमा फर्जी तरीके से पंजीकृत करवाया गया था। टोल मेला में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ जो आयोजक था सारे लोग थे, जो अनाउंसर था जयकारे लगवा रहा था, भारत माता की जय, हनुमान जी की जय, उसी में लास्ट में उसने गलत से गायिका का नाम ले लिया और लोगों ने जय बोल दिया, उसकी इसने ट्वीट किया और उन लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। आज इसके पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जो घूम घूम के आरोप लगा रहा है कि प्रशासन ने मेरे पे गलत मुकदमा दर्ज किया है। अपराधियों से साठ गांठ है तथा उनसे बातचीत भी करता है। सुनो, एक सेकंड सुनो, आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? आप ज्ञापन देना चाहते हैं? जी सर। तो एसडीएम महोदय है, आप एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर अपनी बात को उच्च आगे तक लिखवा सकते हो, शासन प्रशासन तक। आप जो है आप ये गोतरावा मत करो, आप जो है विधि को अपने हाथ में मत लीजिएगा। विधि संगत कार्रवाई होगी, न्याय संगत कार्रवाई होगी, उसके आधार में व्यवस्था चल रही है। आप निश्चित रहिए, महिलाओं का सम्मान भी रहेगा और ये आपको न्याय मिलेगा। आप एसडीएम महोदय को यहाँ पर सौंप सकते हैं। सर, हम लोग इसकी तत्काल गिरफ्तारी चाह रहे हैं, क्योंकि महिला संबंधित अपराध में सजा जो भी है, लेकिन उसे निर्देश दिए माननीय न्यायालय के, ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश तिवारी की गिरफ्तारी कब तक होगी आपके द्वारा? देखिए, इसमें आप अपना ज्ञापन के माध्यम से आपकी बात को आगे पहुँचा दिया जाएगा अधिकारियों तक, और आप प्रशासन पे और शासन पे न्यायालय पे विश्वास रखें। न्याय प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ही इसमें जो भी गुमदोष के आधार पर विवेचना होगी, जो भी इसमें न्यायिक कार्रवाई होगी की जाएगी, आप निश्चित रहें। सारे कारतूस हैं, उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स भी करवाई जाए। एच ई आई गोदाम और रविंद्र भी ए आवाज बहुत बड़ी करता है, इतना तरह का चिट्ठा है। तो बात बहुत, आप जो भी आपके पास एविडेंस आप दे सकते हैं। मैं खुद स्कूल संचालित करता हूँ। 2000